सो हे गाइस, वेलकम बैक यू ऑल टू दिस चैनल, ट्रेडर टैंक चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज के इस वीडियो में एक बहुत बढ़िया बहुत बड़ा लर्निंग मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो आज मैंने मिस्टेक्स की है। ठीक है, इनफैक्ट ये मिस्टेक आज से 5-6 महीना पहले मैंने यही सेम गलती की थी, और आज सेम गलती मेरे से वही रिपीट हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि ये गलती आप ना रिपीट करो, आपसे ना गलती हो जाए। ठीक है, और आज एक बहुत बड़ा चंक मिस हो गया, क्या बताऊँ, मतलब इतनी बड़ी लर्निंग मैं समझाता हूँ अभी। सबसे पहले तो देख लीजिए, जो गॉड फादर स्ट्रैटेजी था यहाँ पे हमारा अप्लाई हो रहा था, गॉड फादर नॉर्मल वाला, ठीक है, और ये इतना बड़ा प्रॉफिट चला गया। ठीक है, गॉड फादर तो अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, और प्रीमियम वाले का तो कोई हिसाब नहीं है। जितने भी लोगों ने गॉड फादर प्रीमियम स्ट्रैटेजी बाय किया है, आज वो बताओ कि कितने बढ़िया प्रॉफिट में हो। आज अब खुल के बताओ, जरा सा भी संकोच मत करो, और ये कहो कि हाँ कितने बढ़िया प्रॉफिट में हो। पर लॉट 5 to 10,000 के आसपास आप प्रॉफिट में हो। ठीक है, और मैं अभी अब दिखाता हूँ एक गलती की वजह से, वरना आज तो मैं बहुत बड़ा चंक मार लिया था छोटे से अकाउंट से। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ऑन एन एवरेज गॉड फादर प्रीमियम स्ट्रैटेजी से पर लॉट से 8,000 तो कहीं नहीं गया। ठीक है, 8,000 तो कहीं नहीं गए किसी के भी। ठीक है, इतना तो मैं मान लेता हूँ। स्टिल तो गॉड फादर प्रीमियम स्ट्रैटेजी की ज्वाइनिंग बंद हो चुकी है, बट बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि हाँ मतलब बस 1-2 दिन के लिए आप ओपन कर दो, फिर बंद कर देना। तो जितने भी लोग बाय करना चाहते हैं आज और कल, ठीक है, 2 दिन टाइम है, जल्दी से आप बाय कर लो। नहीं बाय किए हो तो ये जो बड़े बड़े जो आज चंक्स हैं, अभी मैं स्क्रीनशॉट अपलोड करूंगा, अभी मैं अपने पोजीशंस देख रहा था, दैट्स वाई मैं टेलीग्राम पे अपलोड नहीं कर पाया कोई भी चीज़। ठीक है, मैं अभी अपने स्क्रीनशॉट, जो भी बहुत सारे प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट आए हुए हैं, वो सब मैं शेयर करूंगा, दिखाऊंगा कितने लोग आज पैसे बनाए हैं। ठीक है, गॉड फादर प्रीमियम स्ट्रैटेजी का ये पावर है, तो ये ध्यान में रखना है। और जितने भी लोग बाय करना चाहते हैं, आज और कल 2 दिन में बस ओपन रख रहा हूँ। बहुत सारे मैसेज आए हुए थे इंस्टाग्राम पे, इनफैक्ट मुझे व्हाट्सअप पे वो सेम नंबर पे, भाई कि आज बार दे दो कल बार दे दो, ऐसा इस टाइप के। तो 2 दिन के लिए मैं ओपन कर रहा हूँ, फिर मैं बंद करूंगा, तो फिर मैं कभी ओपन नहीं करूंगा, इस बात का याद ध्यान रखे। ठीक है, और बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है, और मैं भी दिखाता हूँ कि जो मैंने गलती की वो क्या की। ठीक है, ये मेरा पोजीशन है, पोजीशन देखो। ठीक है, सुबह सुबह मैंने गॉड फादर प्रीमियम स्ट्रैटेजी से 31,000 रुपये बनाया। सुबह सुबह मैंने गॉड फादर प्रीमियम स्ट्रैटेजी से 31,000 रुपये बनाया, फिर उसके बाद तुरंत बाद फिर प्रीमियम स्ट्रैटेजी में मिल गया, फिर उसमें मैंने 10,000 बनाया। ठीक है, टोटल मेरे पास 41,000 रुपीज़ हो गए। ठीक है, और उस 41,000 जो एक होता है ना राउंड फिगर, जो गलती में समझा रहा हूँ, गलती क्या हुआ मेरे से, राउंड फिगर को मतलब अचीव करने के चक्कर में आज आप देख लो नेट पीएनएल मात्र 6,102 के आसपास बचा है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट जो आज की लर्निंग थी ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जैसे बहुत सारे लोगों का 800-900 प्रॉफिट हो जाता है, तो वो चाहते हैं कि 100 रुपये और प्रॉफिट हो जाए तो 1,000 रुपये हो जाएगा। चाहे कितने लोगों को 4,500 प्रॉफिट हो गए, तो वो चाहते हैं 500 और प्रॉफिट हो जाए तो मैं 5,000 पूरा पूरा लेके जाऊंगा। कितने लोगों को 990 9,999 प्रॉफिट हो जाए, वो 1 रुपया लाने के चक्कर में ना वो 9,999 गवा दिया। आज सेम गलती मेरे से यही पे रिपीट हुआ। सुबह सुबह मैं 41,500-42,000 के आसपास प्रॉफिट में था, ठीक है, गॉड फादर प्रीमियम स्ट्रैटेजी यूज करके, और उसमें मैं सोच रहा था ऐसा कि 8,000 मैं और ऐड कर लूंगा ना, तो 50,000 आज का प्रॉफिट हो जाएगा, उसके बाद मैं बंद कर दूंगा। वो 8,000 रुपया एड ऑन करने के चक्कर में आज मैंने 40,000, लगभग 34,000 के आसपास मैंने गवा दिया। फिर फाइनली मैंने सोचा कि नहीं, ओवर ट्रेडिंग तो नहीं करना है, दैट्स वाई मैंने 6,100 पे ही क्लोज कर दिया। मैंने कहा चलो हटाओ कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब मौका मिलेगा। इससे भी सबसे बड़ा चीज़ जो आज मेरे लिए था वो लर्निंग था, कि कभी भी राउंड फिगर को अचीव करने के चक्कर में आया हुआ प्रॉफिट कभी भी गंवाना नहीं है। ठीक है, आज मैंने गलती यही किया। आप देख लो, ये जो सुबह सुबह का प्रॉफिट था 31,300 का, फिर उसके बाद प्रॉफिट था 10,200 का। ठीक है, और ये वाला ट्रेड तो मैं बस लिया और एग्जिट कर दिया, फिर मुझे लगने लगा कि मतलब सेंटीमेंट बिगड़ेगा, तो मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहता था, 10 में मैंने इसको क्लॉस कर दिया। तो ओवरऑल सुबह सुबह 42,000 के आसपास प्रॉफिट था, और 8,000 अगर और आ जाता तो मेरे को 50,000 प्रॉफिट हो जाता आज। उस 8,000 के चक्कर में मैंने आज 34,000 के आसपास गवा दिया आया हुआ प्रॉफिट। घर से नहीं गया है, ठीक है, घर से नहीं गया है पैसा। इनफैक्ट अभी भी मेरा पीएनएल 61 कह सकते हो कि 6,100 के आसपास प्रॉफिट में है। तो ये सब जो लॉसेस हुए ना, ये वाला जो लॉसेस हुआ ना, ये दो लॉसेस, ये एकदम से स्पाइक में गया, और मैं गलत जगह एंट्री ले लिया। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था कि हाँ मतलब प्रॉफिट चला जाएगा, 8,000 की तो बात है, वो तो आ जाएगी, बड़ी क्वांटिटी में मार रहा था। ठीक है, लेकिन वो जो स्पाइक लगा ना, और वो जो 17,000 17,000 12,000 जो गया ना, और जब पीएनएल मेरा 6,000 10,000 के आसपास आया, तो मैं समझ गया कि आज मैंने सबसे बड़ी गलती की, जो आज से 6 महीना पहले मैंने सेम गलती की थी, कि
राउंड फिगर को अचीव करने के चक्कर में आया हुआ प्रॉफिट्स को लॉस में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। स्टिल मैंने अभी रोक दिया, मैं आज दिन भर ट्रेडिंग नहीं करने वाला, मेरा आज का कोटा फुल हो गया, ठीक है। जो मेरा लिमिटेशंस था उसको मैंने क्रॉस कर दिया, अब मैं और नहीं क्रॉस कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आप सबको समझाना चाहता हूँ कि जितने भी लोग क्या बोलते हैं कि जितने भी लोग ये सोच के चलते हैं मार्केट में कि आज मुझे 9,950 का प्रॉफिट हो गया तो 50 रुपया और अचीव कर लूंगा तो 10,000 हो जाएगा, 10,000 देखने में बड़ा अच्छा लगता है, 20,000 देखने में बड़ा अच्छा लगता है, जैसे आज मुझे लग रहा था 42,000 देखने में अच्छा नहीं लग रहा, 50,000 देखने में मज़ा आएगा, ठीक है। और वो देखने के चक्कर में ना, वो 8,000 के चक्कर में मैंने 34,000 34,000 रुपये गवाया, बट फिर भी मैं प्रॉफिट में ही हूँ, 6,100 रुपये, मैं घर से कुछ नहीं गया, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। सबसे बड़ी लर्निंग वीडियो मैं आज को आप सबको दे रहा हूँ, और जितने भी गॉड फादर पेमेंट स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं उन सबको मैं ये बोल रहा हूँ, या फिर जो भी नहीं भी यूज़ करते, नॉर्मल भी यूज़ करते हैं, आज गॉड फादर नॉर्मल भी बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है। तो जितने भी लोग यूज़ करते हैं, जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं, आज की सबसे बड़ी लर्निंग हमेशा ध्यान में रखना है, कभी भी राउंड फिगर प्रॉफिट को अचीव करने के चक्कर में आया हुआ प्रॉफिट को लॉस नहीं करना है। एक बार अगर मान लो आपको 10,000 का प्रॉफिट हो, 11,000 का या फिर 18,000 19,000 का प्रॉफिट हो गया है, चाहे 900 का प्रॉफिट हो गया है, तो 1,000 करने के चक्कर में वो 100 रुपया के चक्कर में आया हुआ 900 मत गवाना, ठीक है। आज देख लो, लाइव एग्जाम्पल है, सुबह सुबह 31,000, फिर 10,000, ठीक है। और उसके बाद जो मैंने 8,000 को अचीव करने के चक्कर में जो गलती किया, 50,000 पहुंचाने के चक्कर में, वो आज आपके सामने नतीजा है। फिर भी मैं 6,100 पॉजिटिव में क्लोज किया हूँ, ठीक है, और आज का मेरा ट्रेडिंग बंद हो गया है। और जितने भी लोग गॉड फादर प्रीमियम स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं उनका भी आज ट्रेडिंग क्लोज हो जाना चाहिए, अब वो ट्रेडिंग नहीं करेंगे। और अच्छा सा एक फीडबैक दें अगर गॉड फादर प्रीमियम स्ट्रैटेजी से फ़ायदा हुआ है तो। और भाई इतना बड़ा फ़ायदा हुआ है वो तो आपको पता ही है, ठीक है, कितना पैसा आज का आपका रिकवर हो चुका है वो आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। और हाँ, जितने भी लोग बाय करना चाहते हैं गॉड फादर पेमेंट स्ट्रैटेजी, स्टिल दे हैव 2 डेज, 2 दिन बचा हुआ है, आज और कल। फिर मैं कल से जब क्लोज करूंगा तो फिर गॉड फादर पेमेंट स्ट्रैटेजी आप कभी भी एक्सेस नहीं कर पाओगे, लास्ट चांस है, छोड़ना मत, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आए हुए थे, दैट्स वाई मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। और आज तो नतीजा सामने ही है गॉड फादर पेमेंट स्ट्रैटेजी का, मेरे सामने देख लो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जितने भी लोग गॉड फादर पेमेंट स्ट्रैटेजी बाय करना चाहते हैं वो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दे, 6206854418 पे, इस पे मुझे मैसेज कर दे, ठीक है। सब चीज़ मिल जाएगा, गॉड फादर प्रीमियम स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, गॉड जिला स्कैल्पिंग प्रीमियम स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, और प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस भी मिल जाएगा। तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर दे, मैं आपको दे दूंगा, लेकिन कल के बाद मैं नहीं दे पाऊंगा, कभी नहीं दे पाऊंगा गॉड फादर प्रीमियम स्ट्रैटेजी, ये बात ध्यान में रहे। आप चूके ना, और इतने बड़े बड़े चंक्स को आप ना छोड़े, इनफैक्ट अभी भी फिर एक गॉड फादर प्रीमियम स्ट्रैटेजी का सेटअप बन रहा है, फिर बन रहा है, और जितने भी लोग बाय किए उनको पता होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड अच्छे से रहें। और अब गॉड फादर प्रीमियम स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं करना है, ट्रेडिंग पैनल क्लोज हो जाना चाहिए जैसे मैंने क्लोज कर दिया। मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि मैंने 40,000 कमा करके 34,000 गवा दिया, इस टाइप का कोई अफसोस नहीं है मुझे, ठीक है। जो आया उसमें खुश हूँ, अच्छी बात है। लर्निंग मेरे लिए सबसे बड़ी ज़्यादा चीज़ सबसे बड़ा चीज़ है वो ये कि राउंड फिगर के चक्कर में नहीं पड़ना है। अभी मैं नोट डाउन कर लूँगा, अपने टेबल के आगे लिख लूँगा, रख लूँगा कि अगर मुझे 900 का प्रॉफिट हुआ ना तो मैं 900 पे ही खुश रहूँगा, 1,000 बनाने के चक्कर में नहीं जाऊँगा। अगर मुझे 10,000 का 9,990 रुपये का भी प्रॉफिट हुआ ना तो 10 रुपया पाने के चक्कर में मैं 9,990 नहीं गवाऊंगा, ठीक है। तो आज यही गलती हुआ, 42,000 बना करके 8,000 लाने के चक्कर में, 50,000 बनाने के चक्कर में 34,000 रुपये गवा दिया। घर से मेरा कुछ नहीं गया, स्टिल मैं भी प्रॉफिट में ही हूँ, 6,100 रुपया। बहुत सारे लोगों का ये भी एक ड्रीम ही होता है कि मैं दिन का 6,000 रुपये कमाऊँ, ठीक है। तो वो तो उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और शाम में सपोर्ट रेजिस्टेंस पे वीडियो आने वाला है, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।